Hi everyone, this is Yashveer Singh and I welcome you on your favorite YouTube channel SD Campus. And today we are going to discuss very important phrasal verbs, some very important phrasal verbs on set. देखिए ये कुछ phrasal verbs हैं जो कि set पर बनी हुई हैं, ठीक है? Set हमारा एक verb होता है और उसके साथ prepositions लगने के बाद set की कुछ phrasal verbs बनती हैं, ठीक है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्लोज टेस्ट में, आपके सेंटेंस करेक्शन में या आपके एरर फाइंडिंग्स में इनको पूछा जाता है. तो ये मेरा जो है नेक्स्ट सेशन है फ्रेजल वर्ब्स का और मैं पिछले कई वीडियोस में आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा रहा हूँ. ये फ्रेजल वर्ब का मेरा आखिरी वीडियो है. हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के कोर्स को लेकर मैं चल रहा हूँ तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी इस वीडियो के बाद. उसके बाद मैं कोई नई वीडियो डालूंगा और वो ग्रामर सेशन पर होंगे, कोई ग्रामर का टॉपिक में डालूंगा. आइए देख लेते हैं क्या है ये. सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है सेट अबाउट. सेट अबाउट का मतलब होता है इनिशिएट और बिगिन सम एक्शन, यानी कि मतलब किसी एक्शन को शुरू करना या बिगिन करना, इनिशिएट करना. एक तो मतलब इसका ये निकलता है लेकिन इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी पर हमला करना या अटैक करना. ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि सेट अबाउट का मतलब होता है किसी एक्शन के लिए आप रेडी हो और उसको शुरुआत कर दिया या उसके लिए इनिशिएट किया है आपने और उसको बिगिन कर दिया है. एक मीनिंग तो इसका ये निकलता है और दूसरा एक और मीनिंग इसका बनता है जिसका मतलब होता है किसी पर हमला कर देना, ठीक है? जैसे आई सेट अबाउट अ न्यू बिजनेस, मतलब अगर मैं अगर इसको इस सेंस में लिखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं आई सेट अबाउट अ न्यू बिजनेस, तो इसका मतलब ये हो गया. और अटैक का मतलब होता है हमला करना. नेक्स्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं इसके ऊपर तो उसमें यह बात आपको क्लियर हो जाएगी एग्जांपल्स के थ्रू. अभी इनके मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग. सेट असाइड, सेट असाइड के भी हमारे मीनिंग है. देखिए, सेपरेट एंड रिजर्व समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रिजर्व कर रख देना या अलग कर रख देना ताकि वो बुरे समय में आपके काम आ सके. तो इसका मतलब भी हुई है सेपरेट, मतलब अलग कर देना, एंड रिजर्व, रिजर्व कर देना समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बुरे समय के लिए. जैसे हम कोई इनकम करें और उसमें से कुछ पैसा हम उठाकर अपना सेव करते रहें तो वो सेट असाइड हो जाता है इस वजह से ताकि वो किसी इंपॉर्टेंट समय पर हमारे काम आ सके. तो सेट असाइड का मतलब ये हुआ. फिर है अगला सेट अगेंस्ट. सेट अगेंस्ट का बेसिकली मतलब तो ये होता है कि टू जज समथिंग बाय कंपेयरिंग और टू कंपेयर, मतलब किसी चीज को दो चीजों के बीच में रखकर कंपेयर कर लेना. कहने का मतलब है आपने मान लीजिए दो मोबाइल खरीदे, दो मोबाइल खरीदने के बाद क्या हुआ कि एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उनको सेट अगेंस्ट के रूप में कर रहे हो कि ये अगर ये वाला मोबाइल देखा जाए तो इस मोबाइल से ज्यादा बेटर है. तो उसके सेंस में सेट अगेंस्ट का यूज हो जाता है. एक तो उसको कंपेयर करना, सीधे सीधे से अगर मैं बोलूं टू जज समथिंग बाय कंपेयरिंग समथिंग, मतलब दूसरी चीज से कंपेयर करना, या फिर टू कंपेयर करना ही सीधा सीधा मतलब हो जाता है इसका कि आप किसी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो. लेकिन सेट असाइड का, सेट अगेंस्ट का, सॉरी सेट अगेंस्ट का एक और मतलब होता है. सेट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ कर देना, ठीक है? तो देखिए यहां पर तो मैंने सीधा ही सेट अगेंस्ट लिखा है लेकिन यहां पर स्पेशली मैंने सेट के बाद समवन लिखा और अगेंस्ट के बाद भी समवन लिखा. तो ये बात समझने वाली है कि ये सेट अगेंस्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कर देना. तो सेट अगेंस्ट के बेसिकली देखा जाए तो दो मीनिंग निकलते हैं. अगर सेट अगेंस्ट का मतलब है किसी दो चीज को कंपेयर करना तो वहां पर उसके बीच में कुछ नहीं लगाया जाएगा. लेकिन सेट अगेंस्ट का मतलब है कि किसी को किसी के खिलाफ कर देना, तो सेट के बाद जिस व्यक्ति को जिसके खिलाफ किया है वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बाद आ जाएंगे. इसका मतलब टू कॉज टू पीपल और ग्रुप्स टू फाइट ईच अदर, कहने का मतलब खिलाफ कर देना या आपस में लड़ाई करवा देना. सेकंड नेक्स्ट देखते हैं सेट समबडी या समथिंग अपार्ट. इसका बेसिक मतलब क्या है, टू मेक समबडी, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी चीज को समथिंग बेटर देन अदर्स, मतलब किसी दूसरे से अच्छा बनाना. या इसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है टू कीप समथिंग सेपरेट इन ऑर्डर टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. एक्चुअली पहले वाले का ही एक तरीके से इसका मीनिंग निकलता है कि जिस तरीके से हमने सेट अपार्ट का मतलब लिखा था, ये कहां गया, ये सेट असाइड का मतलब था. कुछ कुछ इसका मतलब भी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर देखा है टू कीप समथिंग सेपरेट, किसी चीज को अलग रख देना
इन ऑर्डर टू यूज, मतलब उसको यूज करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इसका मीनिंग वो भी हो सकता है कि किसी चीज को किसी समय के लिए रिजर्व करके रख देना। नेक्स्ट देखिए, सेट समथिंग डाउन। सेट समथिंग डाउन का मतलब हुआ टू राइट डाउन और रिकॉर्ड। एक्चुअल में ये राइट डब्ल्यू आर आई जी एच टी नहीं है, ये राइट जो है आपका डब्ल्यू आर आई टी है, लिखने वाला राइट। तो देखिए, सेट समथिंग डाउन टू राइट डाउन, इसका मतलब है कि किसी चीज को लिखना या रिकॉर्ड करना, या फिर टू गिव समथिंग एज अ रूल और प्रिंसिपल। यहां पर प्रिंसिपल का भी टाइपिंग मिस्टेक है, एन लिख लेना इसको, एन देखू, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके दो मीनिंग लिख लेंगे। टू समथिंग, सेट समथिंग डाउन में इसका मतलब हुआ कि या तो किसी चीज को लिखना या रिकॉर्ड करना, या फिर इसका मतलब हो जाता है टू गिव समथिंग एज अ रूल, किसी चीज को एज अ रूल या प्रिंसिपल के रूप में उसको देना। किसका मतलब, सेट समथिंग डाउन का मतलब। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ जो अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग निकलता है टू स्टार्ट अ जर्नी, मतलब कोई यात्रा शुरू करना, टू प्रेजेंट समथिंग, और इसका दूसरा मीनिंग भी है टू प्रेजेंट समथिंग और मेक इट नोन, मतलब किसी को पेश करना और उसको किसी के सामने लेकर आना। टू प्रेजेंट समथिंग और मेक इट नोन, मतलब किसी के सामने लाकर उसको प्रेजेंट करना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का बेसिक मतलब टू बिगिन या शुरुआत करना किसी चीज की, एंड सीन लाइकली टू कंटिन्यू, और उसको बाद में उसको कंटिन्यू होते हुए देखना, ठीक है। जैसे ये किसके पर्पज में बोली जाती है, चाहे रेन हो, बैड वेदर हो या इन्फेक्शन हो। रेन मतलब शुरू हो गई और फिर वो कंटिन्यू चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो वो सेट इन हुआ उसका मतलब। ऐसे ही कोई बैड वेदर है, खराब मौसम हो जाए किसी दिन, वो शुरू हुआ और वो फिर वो कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो उसका मतलब सेट इन। ऐसे ही कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो एक बार हुआ और फिर वो कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, सेट इन, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब टू स्टार्ट ऑन अ ट्रिप। टू स्टार्ट ऑन अ ट्रिप ना करके इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं, टू स्टार्ट अ ट्रिप। अब इसका मतलब यह हुआ कि सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी ट्रिप पर निकल गए, ट्रिप पर जा रहे हो, सेट ऑफ का मतलब ट्रिप पर जाना। समथिंग ऑन समबडी, ठीक है, सेट समथिंग, यहां पर सेट लिखना भूल गए हैं, तो यहां पर हो जाएगा सेट ऑन, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेट ऑन, मतलब सेट समथिंग ऑन समबडी, इसका मतलब बेसिकली यह हुआ टू मेक समबडी अटैक, मतलब किसी को तैयार कर देना किसी पर अटैक करने के लिए। इसका मतलब है सेट ऑन, मतलब किसी ने किसी बंदे को किसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार कर दिया। इसीलिए यहां पर सेट के बाद समथिंग या समबडी, ऑन समबडी मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अटैक करने के लिए तैयार कर देना, टू मेक समबडी अटैक। सेट आउट, सेट आउट का बेसिक मतलब है टू लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी। अब बिगिन अ जर्नी ऊपर भी हमने पढ़ा है अभी कि टू स्टार्ट ऑन अ ट्रिप, लेकिन यहां पर देखना डिफरेंस क्या है, वहां पर स्टार्ट करिए ऑन अ ट्रिप, लेकिन सेट आउट का मतलब है कि आप किसी जगह पर हो और उस जगह को छोड़कर आगे एक नई जर्नी पर शुरू कर रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि यहां पर जहां पर वो है उस जगह को छोड़कर उसके बाद वो जर्नी कंटिन्यू करेंगे, तो सेट आउट का मतलब हुआ। सेटअप का मतलब होता है टू रेज या टू प्लेस समथिंग अपराइट, मतलब किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये रोड है, इस पर अगर कोई कोई झंडा लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, सेट अप, इसका मतलब है वो सेटअप कर दिया गया। किसी भी चीज को खड़ा करके रखना, ऊपर की तरफ करके रखने को हम क्या कहते हैं, सेटअप। तो इनके मीनिंग एक बार हम फिर से देख लेते हैं फटाफट। एक देखिए, सेट अबाउट का मतलब किसी चीज को, किसी एक्शन को शुरू करना या फिर किसी पर अटैक करना। सेट असाइड का मतलब किसी भी चीज को साइड में कर देना इस पर्पज के लिए कि ये बाद में हमें कभी बुरे समय में हमारे काम आएगी या किसी समय पर काम आएगी, स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम आएगी। सेट अगेंस्ट का मतलब होता है कि इसके दो पर्पज होते हैं। सेट अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि दो चीजों को आप या तो कंपेयर कर रहे हो या फिर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने खिलाफ कर दिया है, उनको लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है सेट समबडी समथिंग अपार्ट, इसका मतलब भी होता है कि टू मेक समबडी या समथिंग बेटर देन अदर्स। जब आप किसी को तारीफ के रूप में कहते हो कि इसको, मतलब कहने का मतलब है कि टू मेक समबडी
समथिंग बेटर देन अदर्स, मतलब दो लोगों के बीच में जब किसी एक को बेटर बताते हो तो सेट अपार्ट उसके लिए भी यूज किया जाता है। और दूसरा इसका मतलब है टू कीप समथिंग सेपरेट इन ऑर्डर टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने बचाकर रख दिया है, उसका मतलब होता है सेट अपार्ट। नेक्स्ट है सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब क्या है? टू राइट डाउन और रिकॉर्ड, किसी चीज को लिखना या रिकॉर्ड करना, या फिर टू गिव समथिंग एज अ रूल और प्रिंसिपल, या फिर कोई रूल बना देना या प्रिंसिपल बना देना। नेक्स्ट है सेट फोर्थ का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना, या फिर टू प्रेजेंट समथिंग और मेक इट नोन, या फिर किसी चीज को प्रेजेंट करके उसको सबके सामने उजागर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का मतलब मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि कोई चीज जैसे ही शुरू हो और फिर वो कंटिन्यू चलती रहे, उसको हम सेट इन कहते हैं, मतलब एक स्टेट में आ गई वो और वो चल रही है आगे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है रेन से हो सकता है, बैड वेदर से हो सकता है, या फिर किसी इंफेक्शन से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेट ऑफ है। सेट ऑफ मैंने बता दिया कि सेट ऑफ मतलब किसी ट्रिप पर निकल जाना। ठीक है, समथिंग सेट समथिंग ऑन समबडी, इसका मतलब है किसी को किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आपने तैयार कर दिया उसको। सेट आउट का मतलब है कि आपने एक नई जर्नी के लिए एक प्लेस को छोड़ा है और उस जर्नी के लिए आप निकल पड़े। और लास्ट इसका मतलब सेटअप का मतलब मैंने बताया दिया, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को अपराइट ओपोजिशन में, ऊपर के पोजिशन में खड़ा करने को हम क्या कहते हैं? सेटअप। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला देखते हैं। ही सेट डैश डिजाइनिंग इज होम पेज। अब देखिए यहां पर उसने क्या कर दिया है, अपना ही होम पेज डिजाइन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है उसने कोई चीज शुरुआत की है, उसने बिगिन करी है, इनिशिएट करी है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था, किसका मतलब? सेट अबाउट का जो मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, उसका मतलब क्या था? टू बिगिन समथिंग या टू इनिशिएट समथिंग। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ही सेट अबाउट, ठीक है, ही सेट अबाउट डिजाइनिंग इज होम पेज, मतलब उसने क्या कर दिया, अपना खुद का डिजाइनिंग पेज शुरू कर दिया, मतलब अपना खुद का एक तरीके से काम शुरू कर दिया, तो सेट अबाउट। अब सेट अबाउट का मैंने आपको दूसरा भी मतलब बताया था कि किसी पर अटैक करने को सेट अबाउट भी कहते हैं। तो यहां पर देखो, टू यूथ सेट अबाउट हिम, इसका मतलब क्या हो गया कि दो यूथ ने उस पर अटैक कर दिया। तो सेट अबाउट का क्या मतलब हुआ? किसी चीज को इनिशिएट करना, शुरू करना, और सेट अबाउट का मतलब होता है किसी पर अटैक करना भी। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर नीस नहीं है, ये नीड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है देखिए, वी नीड टू सेट डैश अवर डिफरेंसेस एंड बिगिन कोऑपरेट। मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाया अभी, सेट असाइड। सेट असाइड का क्या मतलब होता है? किसी चीज को इग्नोर करके साइड में रख देना या किसी पर्पज के लिए अलग कर देना। तो यहां पर सेट असाइड का मतलब है We need to set aside our differences and begin cooperate. मतलब अभी हमें जरूरत क्या है कि अपने जो differences हैं, अपने जो हमारे मनमुटाव हैं, उनको अभी हमें उठाकर side कर देना चाहिए या ignore कर देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? Cooperate करना चाहिए। तो यहाँ पर set aside का meaning आ रहा है। तीसरा देखते हैं, This job of yours is much better if you set dash prior one. अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर दो चीजों में compare किया जा रहा है। ये वाली जॉब जो तुम्हारी है वो मच बेटर है अगर आप इस वाले से कंपेयर करो। तो मैंने बताया था कि कंपेयर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट का मीनिंग होता है, एक तो होता है कंपेयर करना, तो यहां आ जाएगा सेट अगेंस्ट। मतलब अगर इन दोनों को अगर आप देखो तो यहां पर कंपेरिजन का शो रहा, और सेट अगेंस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था टू कंपेयर। नेक्स्ट है, शी अक्यूज्ड हर हस्बैंड ऑफ सेटिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट का मैंने एक और मीनिंग बताया कि किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ कर देना। तो यहां पर देखो, शी अक्यूज हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड पर यह आरोप लगाया कि उसने उसके बच्चों को उसके खिलाफ कर दिया है। तो सेट अगेंस्ट के दो मीनिंग आपको यहां समझ में आ रहे होंगे कि सेट अगेंस्ट का एक मतलब तो है दो चीजों में कंपेयर करना, टू कंपेयर करना, और सेट अगेंस्ट का मतलब मैंने एक और बताया था कि किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ आईफोन कीप्स इट डैश फ्रॉम अदर फोन्स। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहां पर सेट अपार्ट, देखिए मैं आपको पीछे ही दिखा देता हूं लाकर,
मजे। देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए सेट somebody या समथिंग अपार्ट टू मेक somebody समथिंग बेटर देन अदर्स, देखो इसका मतलब क्या है कि किसी एक चीज को दूसरे चीज से बेटर बनाना। देखिए इस क्वेश्चन में वही सेंस आ रहा है आपका, सिक्योरिटी एस्पेक्ट आईफोन कीप्स इट सेट, कीप्स इट, यहां सेट लिखना भूल गए हो, यहां पर सेट अपार्ट फ्रॉम अदर फोन्स, यानी कि मतलब यहां पर आईफोन को दूसरे फोन से बेटर बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि सेट अपार्ट का मतलब होता है टू मेक समथिंग या समबडी बेटर देन अदर्स। तो सेट अपार्ट का एक मतलब तो हमें ये हो गया कि ये एक से दूसरे को बेटर करता है। दूसरा देखिए, वन शुड ऑलवेज सेट अपार्ट सम मनी फॉर इमरजेंसी। अब सेट अपार्ट का मतलब मैंने एक और बताया था आपको कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी चीज को अलग करके रख देना, रिजर्व करके रख देना, उसका भी मतलब सेट अपार्ट होता है। तो इसने क्या बोला कि एक व्यक्ति को कुछ पैसा हमेशा इमरजेंसी में उसको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। तो सेट अपार्ट के दो मीनिंग निकलते हैं कि या तो टू मेक समबडी बेटर देन समवन, ठीक है, या फिर टू कीप समथिंग फॉर एमरजेंसी, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आ गई सेट अपार्ट के दो मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दीज कंडीशंस वर सेट डैश बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब देखो यहां सीधी सीधी सी बात समझ में आती है कि यहां पर कोई प्रिंसिपल या पर कोई रूल बताने की बात की गई है कि दीज कंडीशन वर सेट डैश बाय द यूनाइटेड नेशंस, मतलब ये कंडीशंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू क्या की गई हैं, सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, देखिए आप एक बार देखिए, सेट समवन डाउन, एक तो मैंने बताया था कि किसी को लिखना, कोई चीज लिखना या रिकॉर्ड करना, या फिर मैंने बताया था टू गिव समथिंग एज अ रूल और प्रिंसिपल। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, किसी को रूल और प्रिंसिपल देना। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही बात की गई है कि ये जो कंडीशंस हैं वर सेट डाउन बाय द यूनाइटेड नेशंस, ये कंडीशंस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट की गई है, एज अ रूल दे दी गई है, एज अ प्रिंसिपल दे दी गई है। तो सेट डाउन का मतलब एक तो हो गया आपका रूल और प्रिंसिपल देना, दूसरा ही सेट डैश सम ब्रॉड आइडियाज फॉर द स्टोरी। अब यहां पर भी सेट डाउन का मतलब ही आएगा, सेट डाउन का मतलब ही इसलिए आएगा कि यहां पर देखिए आप, सेट डाउन का एक और मतलब बताया हुआ है मैंने, टू राइट डाउन और रिकॉर्ड, मतलब किसी चीज को लिखना या रिकॉर्ड करना। तो देखिए आप कि ही सेट डाउन सम ब्रॉड आइडियाज फॉर द स्टोरी, यानी मतलब स्टोरी के लिए उसने कुछ बहुत बड़े बड़े आइडियाज लिख लिए हैं या रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो सेट डाउन के दो मतलब, किसी रूल को या प्रिंसिपल को इनिशिएट करना या बताना या देना, या सेट डाउन का मतलब होता है लिखना या रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ, दे वर अबाउट टू सेट डैश ऑन वॉयज, ये वॉयज होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वॉयज, वी ओ वाई ए जी ई, वॉयज का मतलब होता है किसी यात्रा पर निकलना, किसी समुद्री यात्रा पर निकलने को वॉयज कहते हैं। दे वर अबाउट टू सेट डैश ऑन अ वॉयज इन अ शिप, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था कि एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब होता है टू बिगिन ए जर्नी, और आप देखिए सेट फोर्थ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सेट फोर्थ का। अब इसमें हमने देख लिया कि वो कहां पर जाने को तैयार हो रहे हैं, एक जर्नी पर, तो जर्नी का सेंस आ रहा है तो सेट फोर्थ ही आएगा यहां पर, सेट फोर्थ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी या टू बिगिन अ जर्नी। नेक्स्ट भी देखिए, दे द बोर्ड सेट फोर्थ द कंडीशन फॉर हर रिलीज, यहां पर भी फोर्थ ही लगाया जाएगा। तो सेट फोर्थ का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है, दो मीनिंग है, देखिए सॉरी To start a journey, to present something or make it known. मतलब देखिए, to present something or make it known. और इसका sense यहीं पर यही है, आप check करिए। देखिए, he set, sorry, the board set dash the conditions for her release. मतलब उन्होंने उसको release करने के लिए ये conditions present करी सामने। तो present करने को भी fourth कहते हैं। अब यहाँ पर set fourth के दो मतलब निकले, to begin a journey या फिर सेट फोर्थ का मतलब होता है
किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करना और उसको सबके सामने लेकर आना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू गेट बिटन बाय अ डॉग यू हैव टू मेक श्योर, अगर तुम्हें कोई कुत्ता काट ले या तुम्हें कुत्ते द्वारा काट लिया जाए, यू हैव टू मेक श्योर द वुंड इज क्लीन्ड वेल एंड और एन इन्फेक्शन कुड सेट इन। अभी मैंने क्या बताया था, सेट इन का मतलब होता है कि कोई चीज शुरू हो और वो फिर कंटिन्यू रहे, तो उसमें सीधा सीधा यह बता रहा है कि तुम्हें यह बात हमेशा श्योर रखनी चाहिए कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है और आपको कोई घाव हो गया है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करो, नहीं तो वो इन्फेक्शन जो है वो सेट इन हो जाएगा, मतलब शुरू होकर फिर वो आगे कंटिन्यू रखेगा। तो सेट इन का मतलब मैंने आपको बताया, बरसात के लिए, बैड वेदर के लिए या फिर इन्फेक्शन के लिए हम सेट इन का यूज करते हैं, अगर वो शुरू होकर कंटिन्यू स्टेट में चलते रहे तो सेट इन यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइम डू वी सेट डैश टुमारो, ठीक है। अब अगर इस बात को अगर हम ध्यान से देखें, सेट टुमारो यहां पर जर्नी की बात हो रही है, मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह की बात हो रही है, तो यहां पर व्हाट टाइम डू वी सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब मैंने आपको यही समझाया था, टू बिगिन अ जर्नी, देखिए टू स्टार्ट ऑन अ ट्रिप, टू स्टार्ट अ ट्रिप, तो मतलब ट्रिप स्टार्ट करने के लिए भी हम सेट ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर वो सीधा सीधा कह रहा है कि कल किस समय हम इस ट्रिप को शुरू करेंगे, तो यहां पर सेट ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ही एंड हिज फ्रेंड्स वर सेट ऑन बाय अ गैंग। अब देखिए यहां पर सेट लिखा है और मैंने आपको फ्रेजल वर्ब सेट ऑन का क्या मतलब बताया है कि किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को या किसी भी चीज को किसी दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार करना। अब ये देखिए, आप सेट ऑन somebody, टू मेक somebody अटैक, मतलब किसी को अटैक करने के लिए तैयार करना। अब हमें यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर यह जो सेंटेंस लिखा गया है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये जो गैंग था इसको तैयार किया गया किस पर अटैक करने के लिए, ही और उसके दोस्तों पर। तो यहां पर ये पैसिव वॉइस में, इसलिए सेट ऑन यहां पर आ जाएगा, लेकिन गैंग के द्वारा, गैंग को तैयार किया गया इन दोस्तों पर तैयार करने के पैसिव फॉर्म में। अगर इसे एक्टिव फॉर्म में लिखोगे तो फिर इसका सेंस बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो यहां पर सेट ऑन का मतलब है टू मेक समबडी अटैक ऑन समवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी सेट डैश फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑन फ्राइडे फॉर इजिप्ट। अब यहां पर सीधा सीधा तो समझ में आ रहा है कि वी सेट डैश फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को वो छोड़ेंगे और जर्नी पे किसकी निकलेंगे, इजिप्ट की जर्नी पर। और मैंने अभी आपको बताया था कि किसी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए सेट आउट होता है। सेट आउट का मतलब टू लीव अ वन प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, मतलब एक जगह को छोड़कर नई जर्नी को स्टार्ट करने को सेट आउट कहते हैं। तो यहां पर सेट आउट भी होगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, सेट आउट टू लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी, मतलब एक जगह को छोड़ो और एक जर्नी दूसरी शुरू करो, ठीक है। हमारा जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है पुलिस सेट डैश अ रोड ब्लॉक ऑन दलाल स्ट्रीट, मतलब पुलिस ने क्या किया, रोड ब्लॉक जो था दलाल स्ट्रीट पर खड़ा किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी को अपराइट पोजिशन में हम रखते हैं या खड़ा करते हैं तो उसके लिए सेटअप का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमारा क्या सेंस आएगा, सेटअप, ठीक है। तो ये थे हमारी लास्ट वीडियो फ्रेजल वर्ब्स पर, और ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स आई थिंक या आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बात फिर से बोलिए, इसको फेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेट ऑन या सेट के ऊपर जितने भी थे वो फ्रेजल वर्ब्स थे, एंड आई होप ये सारी बातें, ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको समझ भी आए होंगे अच्छी तरह से। और ये फ्रेजल वर्ब मेरे लास्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में किसी ग्रामर टॉपिक पर डालूंगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।